आज हम बता रहे हैं डिज़ाइनर स्टाइल नेक डिज़ाइन। तो ये इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसमें सिर्फ हम पाइपिंग लगाएंगे, तो जो बॉर्डर का कपड़ा है उसी की मैं पाइपिंग लगाऊंगी यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे बीट्स लगाऊंगी जिससे ये और ज़्यादा स्मार्ट लुक देगा। तो यहाँ पे चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए शर्ट की कटिंग कर ली है हमने, तो यहाँ हमें नेक डिज़ाइन बनाना है, तो अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करनी होगी। इसे देखिए नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं 3 इंच, रेंज पे इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से इसकी यहाँ से लंबाई भी मैं 3 इंच ही रखूँगी, और यहाँ पे इसको अच्छा सा राउंड बना देंगे। उसके बाद 1 इंच हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से नापेंगे, और 1.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ से। अब इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से मिलाने के बाद अब यहाँ से हमें जितना आपकी चॉइस हो, यहाँ से 9-10 इंच जितना आपको रखना है रख लें। तो यहाँ मैं इसको रखूँगी 8 इंच। तो अब इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी नेक की कटिंग हो गई है, और यहाँ से सेंटर से भी इसको काट लेंगे। ये नेक का डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से आएगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये वाली पट्टी यूज़ करूँगी। ये इसके बॉर्डर से निकली हुई पट्टी है, तो इसी को हम यहाँ पे पाइपिंग बना के लगाएंगे। तो सीधे में तो पाइपिंग आराम से लग जाती है सीधी पट्टी की, तो यहाँ से हम इसको इस तरह सीएंगे, और सीने के बाद फिर इसको बैक साइड पे टर्न कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह रखेंगे, इस तरह रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वी आएगा, इसको यहाँ पर इस तरह से हल्का सा टर्न करेंगे। जिस जगह पर हमारा वी आ रहा है यहाँ पर हम इसको हल्का सा इस तरह टर्न करेंगे। यहाँ से जहाँ तक का कट है सिर्फ वहीं तक के हमें सीना है। यहाँ से देखें हमने इस तरह ये पट्टी को लगा लिया है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर देंगे, और सिर्फ इतना मार्जिन रखेंगे कि ये नीचे से दब जाए। तो जब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे तो इसको हमें इस तरह यहाँ पे फोल्ड कर देना होगा। दूसरी पट्टी जो लगाएंगे वो हम बिल्कुल इसके बराबर की ही लगाएंगे, यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर साथ में रखेंगे। जिस तरह हमने पहले वाली लगाई है उसी तरह दूसरी भी लगा लेंगे। तो यहाँ देखें दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह लगा ली हैं। अब यहाँ पर हमें इसको इस तरह से पाइपिंग बना के बनाना है। तो ये कपड़ा हम इधर की तरफ कर देंगे, यहाँ पे ये हमारा कपड़ा है, इधर की तरफ हम इस कपड़े को करेंगे, और यहाँ पे जब हम पाइपिंग बनाएंगे तो ये बिल्कुल सफाई से फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बन जाएगी इस तरह। तो ये देखें दोनों साइडों पे हमने इस तरह पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पे हमें इस ये जो यहाँ पे बिल्कुल गैप आ रहा है, इस गैप को ख़त्म करने के लिए एक पट्टी अंदर लगानी है। यहाँ पे ये इसी की कटिंग है शर्ट की ही, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से कट करके निकाल लूँगी। तो इसको हमें सीधी पट्टी बना लेनी है। यहाँ से इसकी चौड़ाई मैं 2 इंच रखूँगी, 2 इंच रखने के बाद इसको सीधा निकाल लूँगी। यहाँ से ऊपर से इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह बारीक सा फोल्ड करेंगे पट्टी को, और जहाँ पे इसकी वी आ रही है, यहाँ पे जो वी आ रही है यहाँ पे हमें इस पट्टी को नीचे से रखना है, सीधी साइड से रखेंगे, और इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम बिल्कुल इसके बराबर साथ साथ लगाते चले जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से ये बनके हमारा गला तैयार है। तो यहाँ से देखें कितना सफाई से इसके कॉर्नर बने हैं, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ कर दिया है हमने। अब ये जो बैक साइड से कपड़ा है इसको भी मैं यहाँ से कटिंग करके अलग से निकाल दूँगी, और इसको यहाँ पर इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, तो बाद में इसके जो धागे वगैरह हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो ये भी मैंने सिलाई लगा ली है। हाँ, गोल गला तैयार करना होगा हमें। तो ये भी मेरे पास बॉर्डर की पट्टी है, ये बहुत छोटी सी पट्टी है, तो यहाँ पे हमें इसको और एक गले में पाइपिंग लगानी होगी, तो इसको यहाँ डबल करके, तो ये देखें हमें छोटी सी पट्टी है, इसको मैं सिलाइयाँ लगा के चकोर पट्टी बना लेती हूँ, फिर उसकी मैं पाइपिंग कटिंग करूँगी। यहाँ से देखें इस तरह की हमने और पट्टियाँ बनाई हैं, और ये जो राउंड है इसके अंदर ये पाइपिंग लगा देंगे। इसको इस तरह डबल करूँगी, डबल करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह यहाँ गले में पाइपिंग सी लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से टर्न कर देंगे, तो ये हमारी अच्छी सी पाइपिंग बन जाएगी। तो ये देखें हमारा इस तरह स्टिचों की गला तैयार है। तो ये मैंने बिना फ्यूजिंग पेपर के कितने नीट तरीके से तैयार किया है इसको। तो यहाँ पे हमें अब इसमें थोड़े से यहाँ पे बटन या टसल जो भी लगाने हैं वो लगाएंगे आप। तो यहाँ पे मैं इसमें बीट्स लगाऊंगी, तो ये देखें इस तरह के बीट्स हैं, तो यहाँ गले में इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी मैं इससे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से इसमें सुई डालेंगे, छोटा वाला मोती डालूँगी,
तो यहाँ पे देखें, मैंने इसमें पहले छोटा मोती डाला, फिर बड़ा वाला डालूंगी। अब इसमें एक बार और छोटा वाला मोती डालूंगी। हम इसको इस तरह से खींच के बराबर कर लेंगे, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहीं पे इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह आ जाएगा। ये हम बैक साइड से इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। देखिए इस तरह से डिज़ाइनिंग आ जाएगी इसकी। इस तरह एक और लगाऊंगी मैं, वो मैं नीचे से लगाऊंगी। बिल्कुल हमारा जो नीचे वाला एरिया है, इसमें हम यहाँ पे इस तरह से सुई निकालेंगे सेंटर से। यहाँ पे देखें इस तरह पकड़ के रखेंगे हम, जहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो रहा है वहीं पे हम सुई को नीचे की तरफ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। अब ये दोनों को मिलाएंगे हम यहाँ पे, और जो सेंटर का एरिया आ रहा होगा यहाँ पे एक और हम इसी तरह का लगा देंगे टसल्स बना के। इस तरह से हम पहले छोटा मोती लगाएंगे। अब आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो कि पहले हमने एक मोती को टच किया, एक मोती हमने अटैच किया, ये हमारा और ज़्यादा मजबूत तरीके से लग जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर ये वाला मोती लगाया, इसको भी पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा वाला मोती लगा लेंगे। तो इस तरह अगर आप लगाएंगे तो इस तरह भी लगाने में आसानी होगी। इसको यहाँ से फिक्स कर लें, वाला मोती भी लगा दें इसके साथ। ये देखें इस तरह हमारा नेक डिज़ाइन बनके तैयार है, और ये हमने एक बिना फ्यूजिंग पेपर के बनाया है। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हुआ है।